हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डेडपूल एलियन वेपन के खराब होने के कारण अपने आप को गालियां दे रहा है, जबकि नीचे अवेंजर्स ग्रफोन के वॉरियर से लड़ रहे हैं। निक फ्यूरी कहता है, क्या सच में अवेंजर्स ने उस जोकर के ऊपर अर्थ को बचाने का जिम्मा सौंपा था? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता। थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि तुम सुबह भी यही बात कर रहे थे। डेडपूल अपने आप को कह रहा है, कम ऑन वेन, फेमस होने का यही एक मौका है। अब यहाँ पे सब रंग बिरंगे हीरोज मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आकर तुम्हारी ये गन काम नहीं कर रही, जबकि तुम हमेशा गन ही चलाते रहते हो। अब बस मुझे अपने आप से बात करना बंद करके ये सोचना चाहिए कि ये गन कैसे चलती है। अब डेडपूल गन में फूंक मारता है और चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन नहीं चल रही। डेडपूल कहता है कि गेम खेलते हुए तो मैं ऐसा ही करता था, वो वाली गन तो चल जाती थी। अब डेडपूल ग्रफोन से पूछता है, क्या तुम मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि ये गन कैसे चलती है? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पे गन नहीं चलाऊंगा। लेकिन ग्रफोन डेडपूल की तरफ अपने मिनियंस छोड़ देता है। डेडपूल उल्टी के पहाड़ के साथ जाता हुआ कह रहा है कि शायद इसके अंदर आंसर छुपा हो। अब डेडपूल बिल्डिंग को तोड़ता हुआ उल्टी के साथ जमीन पे पड़ता है, जिसे एक खड्डा हो जाता है। अब डेडपूल बाहर निकलते हुए कह रहा है, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ या नहीं, तो घटिया सवाल पूछना बंद कर दो और अच्छे सवाल पूछो। जैसे कि मुझे लगता है कि मेरी पसलियाँ और कुछ उंगलियाँ टूट चुकी हैं और अंदर इंटरनल ब्लीडिंग्स हो रही हैं। ओह ये रोबोट्स, तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या मैं जिंदा रहना चाहता हूँ? और उसका आंसर ये है कि इन रोबोट्स को देखकर मुझे मरने का मन कर रहा है। अब नेगासोनिक डेडपूल से कहती है कि लगता है तुम मरने से खुश हो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगी। अब नेगासोनिक ग्रफन के मिनियंस पे अटैक करती है। आसपास के सब मिनियंस के मरने के बाद डेडपूल कहता है, मैं इससे पहले कभी दूसरे लोगों के खून में लथपथ होकर इतना खुश नहीं हुआ जितना अब खुश हूँ। जिसपे नेगासोनिक कहती है, तो क्या तुम अपने खून में लथपथ होकर खुश होते हो? जिसपे डेडपूल कहता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई डॉक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब डेडपूल मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ग्रफोन के मिनियंस के हाथ से वो गन एक्टिवेट होने लगती है। अब डेडपूल मिनियंस के कटे हुए हाथ के अंदर अपना हाथ घुसा लेता है और कहता है, नेगासोनिक देखो, ये बिल्कुल एक दस्ताने की तरह फिट हो गया है। जिसपे नेगासोनिक कहती है, पहला तो तुमने अभी अभी कितना घटिया काम किया है, और दूसरा ये कि तुम्हारा सर्वबोर्ड टूट चुका है, अब तुम ग्रफोन के पास कैसे जाओगे? जिसपे डेडपूल कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। अब डेडपूल कोलोसस को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिसपे कोलोसस कहता है कि तुम्हें प्लैनेट को बचाना है और तुम उस पे ध्यान दो। जिसपे डेडपूल कहता है कि मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे भी उसी तरह एक बॉल की तरह फेंको जैसे तुम वुल्वरीन को फेंकते हो। फास्ट बॉल स्पेशल। ग्रफोन डेडपूल से कहता है कि तुम अपने प्लैनेट को नहीं बचा सकते। डेडपूल कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये छोटी सी गन क्या कर सकती है। अब डेडपूल उस गन के ट्रिगर को दबाता है तो हम देखते हैं कि गन काम कर रही है। ये देखकर ग्रफोन कहता है, जिसपे डेडपूल कहता है, बस मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम बस कह रहे हो, छोड़ो अपने काम पे लगते हैं। हम देखते हैं कि ये गन डेडपूल से बहुत बड़ी हो चुकी है। अब डेडपूल गन को चलाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और ग्रफोन मर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी एवेंजर्स देखते हैं कि ग्रफोन के मरने के बाद उसके मिनियंस भी अपने आप मरने लगते हैं। अब साधारण लोग अवेंजर्स, स्पाइडरमैन, चैंपियंस और एक्समैन को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहने लगते हैं। तब डेडपूल कहता है कि इन सब की सुपर पावर्स, आर्मर्स और शील्ड के होते हुए भी जिस आदमी ने अर्थ को बचाया है वो डेडपूल है, और इसीलिए अवेंजर्स ने डेडपूल को काम पे रखा था ताकि वो ग्रफोन को मार सके। मैंने बहुत अच्छा काम किया है और ये काम दोबारा करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ब्लास्ट के कारण डेडपूल नंगा हो चुका है। आयरन मैन डेडपूल से कहता है कि अब बॉस बहुत हुआ, हमने तुमको काम पे नहीं रखा है। डेडपूल नेगासोनिक से खिलौना का अंडरवेयर लेते हुए आयरन मैन से कहता है कि तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। आयरन मैन डेडपूल से कहता है कि तुम्हारी अंडरवियर की चॉइस कितनी गंदी है। जिसपे डेडपूल कहता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कई लोगों से इस तरह के अंडरवियर बनाने के लिए बात की है, क्या तुम मेरे लिए बना सकते हो? जिसपे आयरन मैन मना कर देता है। अब डेडपूल बाकी अवेंजर से पूछता है, लेकिन सब वहां से चले जाते हैं। अब डेडपूल नेगासोनिक से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने एलियंस को मारा है, लेकिन कल तुम छुट्टी नहीं ले सकती, हम कुछ टाइम के लिए बहुत बिजी होने वाले हैं। अगले दिन न्यूज के अंदर डेडपूल फेमस हो चुका है और नेगासोनिक को कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। न्यूज के अंदर रिपोर्टर्स लड़ाई की जगह पे पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी हीरो ने नहीं
बल्कि एक अत्याचारी डेडपूल ने बचाया है। न्यूज के अंदर डेडपूल को दिखाया जा रहा है जो कह रहा है कि उसने किस तरह से ग्रफन को मारा, और आगे कहता है क्या कोई ऐसा अत्यारा है जो मेरी तरह काम कर सके, क्योंकि बाकी सब गधे हैं। अगर मैं ग्रफन को मार सकता हूँ तो क्या नहीं कर सकता, मुझे अभी कॉल करें। हम देखते हैं कि डेडपूल के ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग डेडपूल के लिए काम लेकर खड़े हैं। अब एक एलियन नेगासोनिक से कहता है कि तुम लोग ये क्या चला रहे हो, मैं यहाँ डेडपूल को हायर करने आया था, लेकिन मैं किससे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या नाम है, जिसपे नेगासोनिक उसे अपना नाम बताती है। अब वो एलियन कहता है कि बताओ मुझे कि वो बेवकूफ कहाँ पे है। अब नेगासोनिक इतना गुस्सा हो चुकी है कि वो एलियन पे अटैक कर देती है और कहती है जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इस समय यहाँ पे नहीं है, मैं उसकी लोकेशन नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। जाने से पहले वो बस एक नोट छोड़कर गया है जिसपे लिखा हुआ है कि वो किसी आदमी से किसी घोड़े के बारे में बात करने गया है, या पता नहीं जो कुछ भी वो आदमी कह रहा था। स्पेसमैन डेडपूल एक स्पेसशिप में बैठा सो रहा है, तब एक एलियन डेडपूल का कहता है कि जाग जाओ तुम चलने फिरने वाले कबाड़े, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अगर मैंने तुम्हें दोबारा गैलेक्सी के इस साइड देखा तो मैं उस लाश को ढूंढ दूंगा जिसने तुम्हें जन्म दिया है और फिर से उसे मार दूंगा। जिस पर डेडपूल कहता है कि मैं आधा सोया हुआ था, मुझे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैंने पहचान लिया था कि तुम मेरी मॉम के बारे में कुछ कह रहे थे। कैसा हो कि तुम इस शिप को नीचे उतार दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे सड़े हुए खरबूजे जैसे दिखने वाले सिर को फोड़ दूं। जिस पे एलियन कहता है कि मैं सड़ा हुआ नहीं बल्कि तुम सड़े हुए हो। अब डेडपूल शिप से नीचे उतर जाता है। एक वॉयेजर डेडपूल को ले जाते हुए कह रहा है कि तुमने किंग को बहुत इंतजार करवाया है। जिस पे डेडपूल कहता है कि अगर कोई मेरे साथ पैसों से भरा हुआ बैग लाने में हेल्प करवाता तो मैं जल्दी पहुंच जाता। किंग डेडपूल से कहता है कि तुम इन पैसों को गिन लो क्योंकि मुझे ये बैग थोड़ा हल्का लग रहा है। जिस पे डेडपूल कहता है हर किसी को ये क्यों लगता है कि मुझे पैसे गिनने नहीं आते, अगर नेगासोनिक ने तुम्हें ये बताया है तो मैं उसे काम से निकालने वाला हूँ। जिस पे किंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो तुम्हें धोखा दे रही है तो मैं उसे जरूर मिलना चाहूँगा। अब मेरे काम की बात करते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें ग्रफन को मारने में मजा आया होगा। जिस पे डेडपूल कहता है कि हाँ मजा तो बहुत आया, मेरा मतलब ये है कि जब मैंने तुम्हें ये बताया कि मैं एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला खतरा चाहता था जिसे केवल मैं ही मार सकूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो उल्टिया करता हुआ आएगा। जिस पे किंग कहता है कि ग्रफन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे ही करता था और काउंसिल उसे तुम्हारे काम के लिए देने पे मान गई थी। अब डेडपूल कहता है कि मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ, तुमने ग्रफन और उसको मारने वाली गन भेजी, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि उस गन को एक्टिवेट कैसे करते हैं, और मैं ये सोच रहा था कि तुम इस बात के लिए मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हो क्योंकि ग्रफन ने मेरी जम के धुलाई की है। यह सुनकर किंग अपनी आंखें चमकाता है। अब डेडपूल डरते हुए कहता है कि ठीक है तुम अपने मुंह से तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हारी आंखों से मुझे पता चल रहा है कि तुम डिस्काउंट देना नहीं चाहते, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तब किंग डेडपूल को एक पोर्टल से अर्थ पे पहुंचा देता है। डेडपूल कहता है कि ये मेरे कपड़े कैसे फट गए। अब डेडपूल अपना सामान ढूंढता हुआ कह रहा है कि मैंने उसे कहाँ रख दिया। ओह तो तुम यहाँ हो। डेडपूल अपने ऑफिस में एलियंस के पास जाकर कहता है किसी को भी मारना थोड़ा मुश्किल होता है जब तक कि मुझे सही दाम नहीं मिल जाते, तो बताओ पहले किसको मारना है।